जब दो पहलवान अखाड़े में रहते हैं तो जब दोनों ताकतवर रहते हैं तभी मजा आता है, और सिन्हा और अफजाल अंसारी जब साथ रहते हैं तभी मजा आता है अखाड़े की आएगी। बीजेपी को क्यों आप वोट कर रहे हैं? बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? काम किए है ना, पहले का कुल काम करके गया है, अब जो है मतलब 5 साल से कोई विकास ही ना हो रहा। आपका नाम क्या है? अशफाक अहमद बनने वाले। और जो विकास हुआ है हम लोग उसी के साथ जाए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। हम लोग तो अफजाल अंसारी के साथ। नाम क्या आपका? जावेद। अफजाल अंसारी जी को आप वोट करेंगे? दिया जाएगा वक्त आने पर। नहीं अभी सोचा है, मन नहीं बनाया। अभी मन नहीं बनाया। आप क्या कहें? अभी मन नहीं बनाया। मन किसी पे नहीं है क्या बताए? हमेशा लड़ाई जब दो पहलवान अखाड़े में रहते हैं तो जब दोनों ताकतवर रहते हैं तभी मजा आता है, और सिन्हा और अफजाल अंसारी जब साथ रहते हैं तभी मजा आता है अखाड़े की हर चीज का, या राजनीतिक हो या किसी पहलू में, जब बराबर का योगदान रहता है तभी मजा आता है। मगर ज्यादा बेहतर हमारे मनोज सिन्हा जी थे। आप क्या कहें? जी गाजीपुर के। बोलिए। आपका नाम? मोहम्मद शकील। कहाँ चुनाव का मूड क्या होने वाला है? अफजाल जीतेंगे। आपकी बीजेपी जीती? बीजेपी। कैसे? ये तो अफजाल को कह रहे हैं। अफजाल है वो विकास करा रही है, वजह से विकास बंद हो गया है। सर आपकी बीजेपी आएगी? बीजेपी को क्यों आप वोट कर रहे हैं? बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? काम किए है ना, पहले का कुल काम करके गया है, अब जो है मतलब 5 साल से कोई विकास ही ना हो रहा। आपका नाम क्या है? अशफाक अहमद बनने वाले। अगर मनोज सिन्हा जी का परिवार तो क्या कहाँ तक? नहीं, विजय मिश्रा ना मनोज सिन्हा आए, उनके संसद से कोई आवे तो छाप रहेगा। रहेगा। लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं, वो अफजाल अंसारी से प्रभावित हैं, लेकिन आप बीजेपी? बीजेपी। हाँ भाई, बीजेपी से मतलब हम लोगों का दिल भर रहा है तो बीजेपी ना दिए तो दूसरे को दिलाइए। तो इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? हमको तो अंदाज है कि बीजेपी जीतेगी। क्या कहेंगे? आने दीजिए दोनों प्रत्याशी मैदान में, आने दीजिए। एक प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में आ चुका है, दोनों दूसरा भी आने दीजिए, हो सकता है कि दूसरा प्रत्याशी उससे भी कोई हार्ड आ जाए। अच्छा, मतलब अफजाल अंसारी से? नहीं भाई, अभी तो बहुत से प्रत्याशियों का नाम आ रहा है, जब तक मैदान में दोनों पहलवान उतर न जाए तो क्या कहिएगा। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ से बृजेश मिश्रा जी का नाम आ रहा है, या फिर लोग कह रहे हैं कि राधे मोहन सिंह को भी टिकट मिल सकता है, बृजेश सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी की जो कवायद है, तो आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, आने दीजिए, पहले आ जाए तब ना बताया जाएगा। अभी जनता का मूड, जनता का माहौल, यही मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से जो लोग हैं वो बता रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये एक हाई प्रोफाइल बड़ा इलाका है, टाउन हॉल गाजीपुर का ये इलाका है, और यहाँ से चुनावी मूड, जो जनता का चुनावी रुझान है, वो हमने जानने की कोशिश की, आखिर जनता का मत क्या है। कोई विकास की बात करते हैं तो कोई कहते हैं कि मौजूदा सांसद ने विकास किया। अगर बगल में जो हमारे सहयोगी कैमरा मैन थोड़ा सा आ जाए, बगल में देखे तो यहाँ से आप देखे तो ये बड़ी दुकान है, यहाँ पे लोग आते हैं भोजन करते हैं, और यहीं के जो लोकल के लोग हैं, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम मुन्ना। अभी चुनावी मूड क्या है लोकसभा में? यहाँ पे चुनाव को लोकसभा में अफजाल जी प्रचार रही है, भाजपा से विजय मिश्रा का नाम आ रहा है, क्या क्या कहेंगे? भाजपा का। भाजपा का? क्या भाजपा की लहर है? क्या आप क्या कहेंगे? हमसे मत पूछिए, कोई राजनीति से दूर है ना। आपका नाम? अप्पू। हाँ, तो कुछ लोग राजनीति से भी दूर हैं, लेकिन चुनावी मूड, अगर एजेंडे की बात करूं तो कोई विकास की बात करता है। मैं सुशील तिवारी, इस समय ग्राउंड जीरो से, माहौल क्या है।